Hello my YouTube family, welcome back to your own channel. Today again I am presenting a new and latest session for you lovely people, let's do it. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे मैसी लॉ बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है गाइस, फ्रंट से एक सेक्शन छोड़ देना है हमने। सेक्शन छोड़ने के बाद एक एयर टू एयर सेक्शन लेंगे, एक छोटा सा सेक्शन लेंगे। देन उसमें हम क्या करेंगे, फ्रेंच ब्रेड बनाएंगे। ये हम पहले नीड करेंगे अच्छे से। एक हॉरिजॉन्टल में सेक्शन लेंगे एंड देन इसको दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, दो लेयर्स में। और इसके बाद हम इसमें क्या बनाएंगे, फ्रेंच बनाएंगे और सॉरी फिश टेल ब्रेड बनाएंगे, सॉरी फिश टेल ब्रेड बनाएंगे। और देन सेकंड में हम फ्रेंच बनाएंगे। दो ब्रेड बनानी है हमने, पहली बनानी है फिश टेल एंड देन बनानी है सेकंड फ्रेंच ब्रेड। ये हमारी गाइस सबसे पहले वाली फिश टेल ब्रेड है। हमने दोनों तरफ से सेक्शन लेने हैं पहले एंड देन जब नीचे आएंगे तो हम प्रॉपर पूरी फिश टेल बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए गाइस, अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ये गाइस इसको हम नीचे तक बनाते हुए ले जाएंगे। दोनों तरफ से इक्वल इक्वल सेक्शन लेने हमने, पहले राइट से फिर लेफ्ट साइड से। तो दोनों तरफ से इक्वल सेक्शन लेते हुए चले जाएंगे, नीचे फिस्टल बनाते हुए चले जाएंगे हम नीचे तक। जब हमारे एंड्स आ जाएंगे तो हम उसके वहाँ पर रुक जाएंगे। देन उसके बाद हमने क्या करना है गाइस, उस पर रबर बैंड से उसको लॉक कर देना है। ध्यान रखना गाइस, इक्वल इक्वल सेक्शन लेना और ज़्यादा टाइट मत बनाना, थोड़ी मीडियम रखना, ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट। ये हम लेयर्स को थोड़ा बाउंस दे देंगे, आगे से वॉल्यूम दे देंगे हम थोड़ा सा। ये देखो गाइस हमारी क्रिएट हो चुकी है फिश टेल ब्रेड। अब गाइस हमने क्या करना है, पीछे से हमने क्या बनानी है, फ्रेंच ब्रेड बनानी है हमने। ये हमने पहले सेक्शन लिया, सेम सेक्शन है ना, बस इसमें गाइस याद रखना है इसमें थ्री पार्टीशन, थ्री लेयर्स डिवाइड होंगी। ये हमने थ्री लेयर्स लिए, देन लेफ्ट और राइट साइड से सेक्शन लेते हुए चले जाएंगे। नीचे तक सेम टेक्निक फॉलो करते हुए चले जाओगे गाइस आप, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से लेयर्स जोड़ते हुए चले जाना है आपको। अगर गाइस आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यूज़र नेम है सैम हेयर स्टाइलिस्ट ऑफिशियल। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए जाके हमें फॉलो कीजिए। प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए और आपको किसी भी हेयर स्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें उस हेयर स्टाइल की फ़ोटो DM कर सकते हो तो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे उस वाले हेयर स्टाइल की। ये देखिए गाइस हमारा, इसको वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम देंगे। देन हम जो गाइस हमने नीचे तक बनानी है, देन उसके बाद नीचे तक थ्री प्लेट्स बनानी है। देन उसके बाद इसमें से पेटल्स निकाल देंगे हम, दोनों तरफ से निकाल देंगे पेटल्स, इक्वल इक्वल पेटल्स निकाल देंगे ताकि वॉल्यूम आ जाए अच्छे से इस वाली ब्रेड में भी हमारी। एंड जो भी एंड्स बचेगा नीचे के उसमें हम नहीं बनाएंगे ब्रेड, क्योंकि एंड्स बहुत पतले होते हैं और उसमें लुक नहीं आती, मैस हो जाता है काफ़ी। तो हम इसमें क्या करेंगे, रबर बैंड से इसको अच्छे से लॉक कर देंगे टाइटली ताकि ये लूज़ ना हो, नीचे से ब्रेड खुले ना हमारी। गाइज अब हम आ गए हैं बैक साइड की तरफ। बैक साइड हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक एयर टू एयर सेक्शन निकालना है, उसको हम आगे की तरफ छोड़ देंगे। देन जो पीछे के बाल बचे हुए हैं इसमें गाइज हम क्या करेंगे, इसमें हम पीछे को लुक क्रिएट करेंगे। हमने एक सेक्शन लिया सेंटर में से, देन इसको हम रबड़ बैंड से टक करेंगे। बेसिकली हम इसको बैक पफ बनाएंगे विदाउट बैक कॉमिंग, ज़्यादा बाउंस नहीं देना है इसमें। हमने इसमें रबड़ बैंड से इसको टक कर दिया है, टाइटली टक करना है गाइज, ध्यान रहे ज़्यादा लूज़ नहीं करना। देन इसमें से लेयर्स निकालेंगे, हल्की हल्की मैस करनी है लेयर्स, मैस कर देंगे बिल्कुल, मैसी कर देंगे उसको अच्छे से, बिल्कुल नीड नहीं रखेंगे इसमें, प्रॉपर मैसी रखेंगे जितना हो सकता है। देन इसके बाद क्या करना है, हमने दोनों साइड से दो लेयर लिए हमने, एक लेफ्ट एक राइट साइड से। देन इसको क्या करेंगे, इसके दोनों को रबड़ बैंड से टक कर देंगे, देन इसके नीचे से निकाल देंगे, टाइट कर देंगे इसको, खींच देंगे हल्का सा। देन दोनों साइड से जो हमने लेफ्ट और राइट साइड से सेक्शन लिए थे इसमें से हम क्या करेंगे, पुलिंग टेक्निक की हेल्प से इसमें से लेयर्स निकालेंगे, पुलिप करेंगे इसको। देन ये देखो अच्छे से हमारी गाइस लेयर्स निकल चुकी है। इन गाइस हमने सेम टेक्निक फॉलो करनी है, हमने लेयर्स ली लेफ्ट एंड राइट साइड से, देन उसमें रबड़ बैंड लगाया। रबड़ बैंड लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ से इसको ऊपर ले जाके फोल्ड करेंगे,
फोल्ड करने के बाद गाइस इसमें से भी लेयर्स निकालेंगे, उसमें से भी वही सेम टेक्निक फॉलो करनी है गाइस आपने जो ऊपर वाले सेक्शन में की है, और जितने भी सेक्शन निकलेंगे गाइस नीचे तक उसमें भी आपको वही सेम टेक्निक फॉलो करते हुए चले जाना है। पहले हमने लेफ्ट और राइट साइड से सेक्शन लेना है, देन उसके बाद उन दोनों को जोड़ के रबर बैंड से टक करना है, देन ऊपर से ले जाके नीचे से निकालेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे थोड़ा सा खींच देंगे रबड़ को, देन उसके बाद हमने क्या करना है लेयर्स निकालते हुए चले जाएंगे पुलिंग टेक्निक की हेल्प से। ये आपको गाइज नीचे तक यही टेक्निक फॉलो करनी है आपने। ये गाइस हम नीचे की तरफ आ चुके हैं, नीचे की तरफ भी हमने वही सेम टेक्निक फॉलो की हमने जो हम ऊपर से करते आ रहे हैं, ये हमने इसको टर्न किया, देन इसके में भी इसमें से भी लेयर्स निकालेंगे हम, टाइट किया हमने इसको पहले, लेयर्स निकालेंगे। ये हमारा लास्ट सेक्शन है गाइस, देन इसके बाद हम क्या करेंगे अब इसका हम बन बनाएंगे। इसी जो हमने बनाया सारा क्रिएट किया है, सबसे पहले हमने क्या किया लेफ्ट साइड लेके गए हम इसको, याद रखना गाइस हमें बोब पिन से इसको टक करना है ना कि जूड़ा पिन से। जूड़ा पिन से आप बाद में इसको टक कर सकते हो, आपको पहले बोब पिन से स्कैल्प में टक करना है जितने भी आपके बन हैं। ये हमने दूसरी तरफ से ही बोब पिन लगाएंगे, इसको नीचे से लेकर आए हम, देन इसको भी हमने बोब पिन से इसको टक कर दिया। अब इसमें आप जूड़ा पिन लगा सकते हो, ताकि क्या है कि हमारे स्कैल्प में हमारी दो तीन बोब पिन लग चुके तो उसमें हम जूड़ा पिन लगा सकते हैं। अब गाइस हमने क्या करना है लेफ्ट साइड जो हमारे बाल छूटे हुए थे उसको हम इसमें टक करेंगे प्रॉपर। हमने क्या किया राउंड किया ट्विस्ट किया, देन इसमें से हम लेयर्स निकालते चले गए, लेयर्स निकाली, देन इसके बाद हम क्या करेंगे इसको सेंटर में इसको बोब पिन या जूड़ा पिन से इसको होल्ड कर देंगे, लॉक ही कर देंगे गाइस। अब सेकेंड लेयर लेंगे, सेकेंड लेयर में सिर्फ सबसे पहले हमने क्या किया फेस फ्रेमिंग के लिए छोड़ दिया हमने लेयर, देन इसके बाद भी इसमें भी वही सेम टेक्निक करेंगे हम, लेयर्स निकाली इसमें भी हमने, देन इसको भी हम जूड़ा पिन से इसको प्रॉपर टक कर देंगे। हमने टक कर दिया है गाइस। अब गाइस हम राइट साइड की तरफ करेंगे, फ्रंट में बनाएंगे जो हमने दोनों ब्रेड ली थी, जैन जो बीच के बाल छोड़े थे हमने इसमें थोड़ा स्प्रेड करेंगे, लूज लूज बनाएंगे आगे का गाइस, जो मैसी मैसी सा लगे, ज़्यादा नीट नहीं करेंगे। देन इसके बाद भी इसको भी हम पीछे ले जाके इसको टाइटली लॉक कर देंगे इसको भी, जो हमारा फ्रंट एरिया है। अब गाइस जो हमारे और जो बाकी के फ्रंट बचा हुआ है, सबसे पहले इसमें से हम क्या करेंगे फेस फ्रेमिंग के लिए एक लेयर्स निकालेंगे, ये हमने लेयर निकाली, देन उसके बाद इसको शेप देंगे फेस फ्रेमिंग, फेस फ्रेम करेंगे इसको, फ्रंट क्रिएट करेंगे, देन लूज लूज छोड़ेंगे इसको भी। ये गाइस हमारे डमी के आगे से थोड़े बाल कम है, सो ब्लैक और ब्राउन कलर का फाइबर आता है, जो भी जिस भी कलर के बाल हों ब्लैक या ब्राउन, तो आप उस वाले फाइबर से उस वाली स्कैल्प को हाइड कर सकते हो आप अच्छे से, ताकि उसकी स्कैल्प कवर हो जाए क्लाइंट की। गाइस पीछे की तरफ आ गए हम, स्प्रे से अब नीड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नीड कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी लेयर शार्प कर रहे हैं, ज़्यादा शार्प नहीं कर रहे, हल्की हल्की मैसी ही रहने देंगे हम जैसे है,
बस उसको थोड़ा शार्प कर रहे ताकि विजिबल हो लेयर्स हमारी थोड़ी थोड़ी, हम ज़्यादा विजिबल भी नहीं कर रहे, बिल्कुल शार्प भी नहीं कर रहे। अगर आपको ज़्यादा शार्प करना है तो आप एक एक स्प्रे, एक एक स्टैंड पे स्प्रे कर करके दूर से उसमें जुड़ा पिन लगा के तो आप ज़्यादा शार्प भी कर सकते हो उसको, अगर आपको ज़्यादा शार्प करनी है लेयर। अगर आपको ज़्यादा शार्प नहीं करनी तो जैसे मैंने किया आप वैसे भी कर सकते हो। अब गाइस जो बाकी के बाल बच्चे हैं इसमें बन में शेप देंगे, बन को पूरा कवर करेंगे अच्छे से। सेकेंड लेयर में भी यही सेम टेक्निक, इसको भी कवर करेंगे चारों तरफ से। अब गाइस जो हमारी रबड़ बैंड दिख रही हैं, कोशिश करना आप थोड़ी कलरफुल रबड़ बैंड ना लेके, या ब्लैक एंड या वाइट रबड़ बैंड लेना अगर ब्लोंड हेयर है तो। अगर ब्लैक हेयर है तो ब्लैक रबड़ बैंड ही लेना ताकि ये विजिबल ना हो हमारी रबड़ बैंड, कलरफुल मत लेना रबड़ बैंड। अब इसको कवर करेंगे रबड़ बैंड को, इसमें जूड़ा पिन से इसको कवर कर देंगे। अगर आपके पास कोई हेयर एसेसरीज है तो आप इसमें हेयर एसेसरीज भी लगा सकते हो ताकि ये आपकी रबड़ बैंड कवर हो जाए। स्प्रे कर देंगे, छोटे छोटे फ्रीज ईयर को बिठा देंगे गाइस, एंड थोड़ा वॉल्यूम दे देंगे इसमें भी, ब्रेड में भी। ये देखिए गाइस हमारा ऑलमोस्ट डन है, कवर कर देंगे इन रबड़्स को, पिंक वाली जो रबड़ है इसको कवर कर देंगे। ये देखिए गाइस हमारा फाइनल लुक कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं फिर जल्दी।